गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, संस्कृति क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम आपके तीसरे पाठ का अभ्यास कार्य कर रहे हैं, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रहा है आपसे, निर्देश अनुसारम वाक्यानि रचयेत। निर्देश के अनुसार आपको वाक्यों की रचना करनी है। उदाहरण दिया उन्होंने आपको, जैसे एक दे दिया वाक्य एतत् पतति, यह गिरता है। फिर आगे उसने दे दिया बहुवचन, यानी कि ये जो आपका वाक्य इसको आपको बहुवचन में लिखना है। यानी इस वाक्य में जो आपको ये सर्वनाम शब्द दे रखा है, जो धातु रूप दे रखा है, इन दोनों को आपको आगे लिखना है बहुवचन में लिखना है। तो एतत् का बहुवचन का रूप है आपके एतानि। आप जानते हैं ना, एतत् एते एतानि, तो अपने लिख दिया एतानि। और पतति एकवचन की क्रिया है, बहुवचन में होगी आपके पतति पतता पतन्ति, तो ये बन गया आपका बहुवचन में एतानि पतति। तो इसी प्रकार जो आपको निर्देश दिया गया है उसके आधार पर आपको इन वाक्यों को भी बदल करके लिखना है। तो शुरू करते हैं हम आपका प्रश्न। देखिए पहला दे रखा है एते पर्णे स्तः, ये सभी शब्द आपके द्विवचन के, ये दोनों पत्ते हैं। अब वो आपसे कह रहा है कि इसको किसमें बदल दो, बहुवचन में। तो ये जो तीनों शब्द हैं आपके, इन तीनों का अपन काय में बदलेंगे, बहुवचन में। तो लेंगे अपन एते का बहुवचन एतानी, पर्णे का पर्णानी, और स्तः का हो जाएगा आपके संघ। ये तीनों शब्द अपन ने बहुवचन में कर दिए, जो उन्होंने निर्देश दिया था कि बहुवचन में बदलो। तो ये हो गया वाक्य आपका एतानी पर्णानी संधि। आगे आपको वाक्य दिया है मयूरः नृत्यति, ये जो आपके दोनों शब्द हैं संज्ञा शब्द और आपका धातुरूप दोनों एक वचन में हैं, और आपसे वो कह रहा है कि किसे बदल दो आप, बहुवचन में। यानी मयूर शब्द और नृत्यति जो आपका धातुरूप है, इन दोनों का आपको बहुवचन में लिखना है। तो मयूरः का बहुवचन है आपके मयूरः, और नृत्यति धातु रूप का आपके बहुवचन है नृत्यन्ति। ये बहुवचन बन गया आपका मयूरः नृत्यन्ति। अगला प्रश्न है आपका एतानि यानानि, ये दोनों ही शब्द आपके, ये सर्वनाम शब्द और ये धातु रूप, दोनों ही आपके बहुवचन में है। और निर्देश क्या दे रहा है वो आपको, कि इसको आप द्विवचन में बदल दो। बहुवचन के दे रखे और इसको आप द्विवचन में बदल दो। तो एतानि का द्विवचन है आपके एते, और यानानी का याने, एते याने, या अपन ने द्विवचन में इसको बदल करके लिख दिया। आगे वाक्य आपका छात्रे लिखता, यहाँ पर ये आपके संज्ञा शब्द और आपका ये धातुरूप दोनों ही किसमें है, द्विवचन में है। और आपको निर्देश दिया जा रहा है कि आप इसको किसमें बदल दो, बहुवचन में। तो अपन छात्र शब्द और जो आपका लिख धातु है, इसकी जो धातुरूप है, इसको बहुवचन में बदलना है। तो ये हो जाएगा आपके छात्रः लिखंती, ये हो गया आपका बहुवचन का, तो वाक्य आपका बहुवचन में बदल गया। आखिर में आपको देखा है नारी केलम पतति, नारी केलम पतति, ये दोनों ही आपके ये संज्ञा शब्द और ये धातुरूप एक वचन में दे रखा है, और आपसे वो क्या कह रहा है कि इसको आप द्विवचन में बदल दो। तो अपन इसको द्विवचन में बदलेंगे, नारी केलम का द्विवचन हो जाएगा आपके नारी केले, और पतिति का द्विवचन हो जाएगा आपके पतिता। दोनों ही शब्दों को अपन ने द्विवचन में कर दिया, तो वाक्य आपका द्विवचन का हो गया। तो मुझे आशा है कि ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप इसको दोहराना, अपने नोटबुक में नोट करना। आएगा जो अभ्यास कार्य वो हम कल करेंगे, तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।